हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ये आफबाऊ प्रिंसिपल मतलब आफबाऊ सिद्धांत पर है। आफबाऊ का मतलब, आफबाऊ जो है किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वो जो साइंटिस्ट होते हैं उनके नाम पर बनते हैं, लेकिन आफबाऊ का मतलब यहाँ पर है बिल्डिंग अप से। बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना। तो यहाँ पे आफबाऊ प्रिंसिपल जो है, ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए ही है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि जो 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, मतलब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने का रूल है ये, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन भरने का रूल जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है ऑर्बिटल्स की, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल किए जाते हैं। तो इसके लिए जो है एक सीक्वेंस बनाया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। सीक्वेंस है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। इसके बाद 2p ऑर्बिटल आते हैं, 2p 3p 4p 5p 6p। फिर d ऑर्बिटल आते हैं, 3d 4d 5d 6d। इसके बाद आते हैं f ऑर्बिटल, 4f 5f। तो इससे जो है एक सीक्वेंस हमें मिलता है, इसी सीक्वेंस में जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं n प्लस l रूल के हेल्प से। n प्लस l रूल जो है, ये n प्लस जो l जो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे, जिसमें आपने n और l पढ़ा था, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हम जब n प्लस l ऐड कर लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी का पता चल जाता है कि किस ऑर्बिटल में एनर्जी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से ये सीक्वेंस तैयार किया गया है। कि जैसे अगर आप 1s देखेंगे, तो 1s में 1n है और s के लिए l 0 होता है, तो यानी कि इसका एनर्जी लेवल जो है वो 1 रहेगा। 2s में 2 रहेगा, 2s के बाद आता है 2p, तो 2p में n प्लस l क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 2 और p हो जाएगा 1, यानी कि 3। 3s में सेम यही रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि s के लिए l 0 होता है। इसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है बनाया गया है, मतलब जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिटल में फेल होंगे, 1s के बाद 2s ऑर्बिटल फेल होंगे, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s, फिर 3d। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 4s पहले फिल किया जा रहा है, उसके बाद 3d ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम n प्लस l रूल लगाएंगे तो 3d की एनर्जी 4s के कंपेयर में ज़्यादा होगी, तो इस वजह से 3d ऑर्बिटल बाद में भरा जाएगा और 4s ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। तो इसी तरीके से ये सीक्वेंस पूरा बन गया है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न ऑर्बिटल हैं, विभिन्न कक्षक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसी प्रिंसिपल के हिसाब से। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से, जैसे कि ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो s p d f ऑर्बिटल हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन।
तो इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल करते चले जाते हैं, कि जैसे 1s में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं तब तक हम 2s में नहीं पहुंचते हैं। तो 1s में जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, 6 के बाद हम 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस जो है वो चलता चला जाता है। इसी आफबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एटम्स का। एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो विभिन्न कक्षा की ये जो दिए हुए हैं ऑर्बिटल्स की 1s, 2s, 2p, 3s, 3d, ये सारे ऑर्बिटल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम के अंदर भरे हुए हैं, तो वो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन एटम ले लिया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि मैंने आपको डायग्राम में ये भी बताया कि जो सीक्वेंस है सबसे पहले सीक्वेंस में आता है 1s, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा ऊपर यहाँ पर शो किए जाते हैं। इसी तरीके से हीलियम 1s2, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका हो जाएगा 1s2, एंड क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं और वो 1s3 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1s2, और उसके बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो जाएगा 2s में, तो यानी कि 2s1। इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन वाला जो एटॉमिक नंबर का होगा, तो 4 में 2s2 हो जाएगा, इसी तरीके से 5 में 2s2, 2p1 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जिससे समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि सोडियम 11 है, तो सोडियम 11 में यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हमें sp(d)f ऑर्बिटल्स में, तो सबसे पहले आता है 1s ऑर्बिटल, तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1s के बाद सीक्वेंस में आता है 2s, तो 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, यानी कि 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं, अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। उसके बाद आता है 2s के बाद में 2p, पी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 2p के बाद आता है सीक्वेंस में 3s, तो 3s के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 3s1 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का। और थोड़ा सा बड़ा बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 3s के बाद आता है आपका 3p, तो 3p 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो जब 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो यानी कि अभी हमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो 3p के बाद में आता है 4s, तो 4s2, तो अब यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, ये टोटल 20 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है 1s से लेके sp(d)f ऑर्बिटल्स के लिए, तो उसी सीक्वेंस में आप जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करते जाएंगे। अच्छा, ये जो आफबाउ प्रिंसिपल है इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं आपको बताती हूँ। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, अपवाद का मतलब ये है कि जो आफबाउ प्रिंसिपल के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो जो अपवाद हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक है क्रोमियम 24, तो क्रोमियम 24 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से करते हैं,
तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 4d4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत माना जाएगा, क्यों? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड हो तो स्थाई माने जाते हैं, या फिर फुल फिल्ड हो तो स्थाई माने जाते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल का मतलब ये है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं इसमें 5 सबशेल होती हैं, तो 5 सबशेल अगर हाफ फिल्ड हैं तो स्टेबल होंगी, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर डी ऑर्बिटल में तो स्टेबल होगा एटम, या फिर फुल फिल्ड होंगे तो स्टेबल होंगे। तो इस वजह से ये जो डी ऑर्बिटल वाले एटम है ये हाफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3d5 है ये हाफ फिल्ड हो गया है, तो हाफ फिल्ड मतलब आधे भरे कक्षक, तो इस वजह से ये स्टेबल होगा। इसी तरीके से आता है कॉपर 29, तो कॉपर 29 में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1, 3d10। अगर आप वो प्रिंसिपल के हिसाब से करते तो 4s2, 3d9 होता, यानी कि वो फुलफिल्ड नहीं होता, तो इस वजह से स्टेबल नहीं होता। तो इस वजह से जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होंगे वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे अपना और अपने ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड करने के लिए। तो ये थे एक्सेप्शन और ये था हाफ बाउ प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू।